हाय हाय पांडे जी के बेटे भी आए ले पांडे जी के बेटे क्या आता है इतने सीनियर आर्टिस्ट है चंकी पांडे हाँ सीनियर आर्टिस्ट है सर मेरे को आप लोग से एक बात पूछने का था हाँ ये आप लोग अर्चना जी को काय को कास्ट नहीं करते मतलब या तो वो सीनियर नहीं है या तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है कोई ना कोई तो कपड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बहुत प्रॉब्लम है मेरे को सर जवाब चाहिए या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फैजल दो अली फजल ले जाइए ले जाओ जा अली फजल क्यों दो भाई मैं क्यों यार अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया सच्ची में चलो ना उधर मैं आपको खेत में लेके चलेगी सच्ची में अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली चल खैर चंकी जी का मैं बहुत बड़ी फैन है मेरे को आप साहू पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल किए इस पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल जोरदार ताली हो जाए चंकी सर बहुत अच्छा कर ले पहले मेरे मामा के साथ काम करते थे ना तो बंदर विंदर होता था पिक्चर में अभी बाबा के साथ काम करे तो कट्टा बारूद चाकू चाकू जड़ काट दूंगा ये फाड़ दूंगा मस्त है एकदम लेकिन मैं इनको बहुत टाइम से जानती अच्छा, इनको हाँ डेंजर पर्सनली ऐसे नहीं है मतलब पर्सनली तो 30 सेकंड के लिए भी किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकती है अच्छा? हाँ दिल के बहुत वो है एकदम दयालु नहीं लालची है बहुत दिल के लालची ऐसा मतलब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं अच्छा, हाँ. हाँ जिससे फायदा होता है ना उसके साथ कभी झगड़े नहीं करते लेकिन मैं आपको बहुत देखती है पेज 3 पार्टी वार्टी बॉलीवुड का बहुत पार्टी वार्टी में जाते पूछ क्यों क्यों क्योंकि उधर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना बहुत कैसे बाबा आपको मालूम है हमारे अर्चना जी का भी ऐसे है अच्छा ये भी पार्टी में जाती है ना 2 मिनट में बाहर आ जाती है क्यों क्योंकि 3 मिनट में लोग पूछ रहे होते हैं ना किसने बुलाया इसको किसने बुलाया ऐसे रहते लेकिन आप टेंशन मत लो ऐसे कोई बात नहीं एक दिन टाइम आएगा आप देखना अच्छा। आप कपिल शर्मा शो पे ऐसे सामने बैठी रहेंगी तो सामने तो बैठी है हाँ तो धोखे से बैठी है ना नहीं मेरे को सर पूछने का था आपको हाँ जी आपको तो बहुत सालों से मैं देख रही हूँ बचपन से आप बॉलीवुड में काम करती है आपके बचपन से हाँ जब आपकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे कुछ भी कर मुझे अंकल मत बुला नहीं नहीं अंकल नहीं आप बहुत हैंडसम लगते थैंक यू फिर जब मैंने आंखें खोली ना आपकी आंखें देखी मैंने मैं सच्ची में ऐसा नहीं कि इधर बैठे कमाल का काम किया था सर गोविंदा जी ने उसमें दुबे जी के बेटे है ना ये आप टॉयलेट में थे ना नहीं मैं टॉयलेट में नहीं था मैं बगल वाले टॉयलेट में थी मैंने देखा मामायरा कितनी अच्छी लग रही है थैंक यू हाँ आप राजमा चावल में थे ना जी हाँ तो मैं कल खाई मैंने देखा नहीं आपको सपना राजमा चावल उनकी फिल्म थी तू उनका बड़ा विकिपीडिया लगा यहाँ पे ये उनकी पिक्चर थी उनकी पिक्चर थी वो पढ़े लिखे लोग हैं जवाब देंगे मेरे को करने क्या आई यहाँ पे मैं मूसा भाई को खुश करने के लिए आई क्यों क्योंकि अगर मूसा भाई मेरे से खुश हो गए ना तो फिल्म इंडस्ट्री का चूसा भाई भी मेरे को हाथ नहीं लगा पाएगा बाबा तो बहुत हीरो लोग को जानते हैं ना मेरे को कोई दो ना मेरे को अफेयर करने का था किसी के साथ में अरे आप तो अली फजल को लेके जा रहे थे ना फसल काटोगे भाई ऐसे कोई हीरो मांगता है कोई कौन मांगता है अच्छा इधर पैसा भी नहीं मांगो हीरो भी नहीं मांगो कुछ भी नहीं मांगो तो मैं इधर क्या करने के लिए आती है फिर मैं मेहनत करना जाके हाँ भांजे को भांजी बना दिया इधर Woo!
क्या भांजी चिंपैंजी बनकर आएगी सर मेहनत करने के लिए? बाबा आप तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए आप लोग. आप लोग नहीं ये. हाँ मैम, इतना सारा पैसा भी आपके पास में. अभी देखना 1 करोड़ मांगेगी. बहुत पुराना हो गया, 1 करोड़ नहीं चाहिए मेरे को. मेरे को पाली हिल में बंगला दो ना. तेरे को पता है पाली हिल में बंगलो कितना महंगा है? तो महंगा है तभी तो मांग रही हूँ. सस्ता होता तो मैं खुद नहीं खरीद लेता. मैम आई हैव इधर ब्यूटी पार्लर है मेरा. सपना ब्यूटी पार्लर. अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में. तो अगर आपको करवाना रहेगा तो. किस किस्म के मसाज? हमारे पास मांडवा मसाज है. मांडवा? हाँ. इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, उसकी मसाज कर देते हैं, फिर उसको कपड़ा नहीं देते. तो बोलते हमारा कपड़ा किधर है? तो हम उसको बोलते इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए. फिर सर हमारे पास वास्तव मसाज है. वास्तव मसाज? हाँ. ओके. इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते उसको तेल नहीं लगाते, उसको घासलेट का टीका लगाते रहते हैं. और तब तक लगाते जब तक वो बोल नहीं देता, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे. सर फिर आपने सर वो पिक्चर किया था सड़क, सड़क मसाज भी है. सड़क मसाज? सड़क मसाज. हाँ, उसमें तेल नहीं लगाते, कस्टमर को डांबर लगाते और उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा देते. खत्म, कोई टेंशन ही नहीं. आपको लगता है मसाज बहुत मजा आ रहे हैं? हाँ, बहुत. आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज. कौन सा वाला? विश्वात्मा मसाज. उससे आत्मा को शांति होती है? नहीं, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, खोलता हुआ तेल डालते हैं, तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, फिर पूरे विश्व में घूमती है. ऐसा रहता. खैर मैं चलती हूँ, कोई मसाज करवाना होगा बताइएगा बाबा. सपना? हाँ. कहाँ जा रही है? मैं सर पीछे और भी काम रहता है ना, कुछ और भी बन के आना रहता है इधर. अच्छा अच्छा. जैकी श्रॉफ नहीं आए? दादा शूट कर रहे हैं. अच्छा, किधर शूटिंग था? चेन्नई. चेन्नई में? कोई बात नहीं, मैं उनकी कमी पूरी कर दूंगी. बड़ो मेरा बच्चा, बड़ो. अच्छा, सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं. आप सब एक्टर्स हैं, तो आपके साथ कुछ कुछ अफवाहें हैं. तो सर मैं कंफर्म करना चाहता हूं, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें. सर आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है. आपके पास 24 घड़ियां हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो. हर घंटे एक दूसरी घड़ी? हाँ, ऐसा सुना है, अफवाह है आपके बारे में. घड़ियां है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता. 14 होंगी ना 24 से, तो हर 15 मिनट बाद बदलते होंगे. 25 है. मान्यता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बनके बीन बजा के इन्हें नचाती. वो सही बात है. है? सही है भाई. सीरियसली मान्यता मैम? और क्या, ये तो बीन ही बजाती रहती है ना. चंकी सर आपके बारे में अफवाह है? पहले हंस रहा है, पहले हंस रहा है. आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे. बाद में बाद धागा खींच लेते थे. इज इट ट्रू सर? हाँ, मैं एसटीडी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था. क्या बात है. Unreal.